नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू रियल टाइम व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त अजीत। गाइज, 7 दिन का टारगेट पूरा हो चुका है। तो पहले बताता हूँ जोमेटो का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। 7 दिन जोमेटो के अंदर फूड डिलीवरी पार्ट टाइम 7 से लेकर 12 बजे तक, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी चीज़ें नहीं देखी। पता चला कि रेस्टोरेंट एक्चुअली कैसे डिलीवर करते हैं, जोमेटो का पूरा प्रोसेस पता चला कि कैसे डिलीवर करता है, जो डिलीवरी बॉयज हैं उनकी अर्निंग क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ में देखने को मिली। उसके बाद जो हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, क्या वो फूड हाइजीन होता है? जैसे जोमेटो पे हाइजीन का, स्विगी पे हाइजीन का लगा होता है टिक का, एग्जैक्टली वैसा होता है? नहीं होता भाई। वो रेस्टोरेंट क्या टाइम पे ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं? नहीं करते हैं। प्राइसिंग डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है। और कितना बड़ा फैक्टर है डिलीवरी पार्टनर्स का माई लाइफ में? भाई बहुत बड़ा फैक्टर्स है। रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर आपको भूख लगे और आप ऑनलाइन डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये बंदा 12 बजे भी आपको ऑर्डर डिलीवर करता है। तो इन लोगों का प्रैक्टिकली बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो अब इनका सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो कह सकते हैं हाँ ये अच्छा काम करते हैं और इनका बहुत एक अहम रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। अब बात करते हैं जोमेटो मैंने ज्वाइन क्यों करा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जोमेटो बेसिकली इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आई जब लोगों की जॉब चली गई। बहुत सारे नॉन मेरे लोग जिनकी जॉब चली गई, जो लोग सैलरी कट हुई लोगों की, पार्ट टाइम मतलब 50% सैलरी हो गई लोगों की, शायद मैं उन्हें उनकी फील्ड में रेफर ना कर सकूं बिकॉज मेरा दूसरा फील्ड है, वो किसी और फील्ड के, मैं उसमें रेफर ना कर सकूं उन्हें। बट उनके लिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब, मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो मुझे जोमेटो डिलीवरी का मिला पार्ट टाइम जॉब का। उसके अंदर मुझे लगा इस चीज़ को बताना चाहिए। पर ये कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि ज्ञान देना आसान है, प्रैक्टिकल करके देखो तब पता चलेगा। तो मैंने ये उन 7 दिनों का प्रैक्टिकल उनके लिए करा है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप इधर देख रहे हो, एक एग्जाम्पल है लिंक्डइन के प्रोफाइल पे। अक्सर अभी आपको पिछले 1 साल से ऐसे कमेंट या पोस्ट मिल रहे होंगे जहां पे लोग शेयर कर रहे हैं कि हम पिछले 1 साल से अर्निंग नहीं है, हमारे 1 साल से जॉब नहीं है, आई एम द ओनली वन जो घर में कमाता है, दे आर लाइक बेगिंग फॉर देयर जॉब। अगर ये सिचुएशन अगर वो अभी है, तो ऑलरेडी पूरे अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी उनके सीनियर हैं सबसे ये चीज़ डिस्कस कर चुके होंगे, और जब कहीं से उनको रिप्लाई नहीं मिला जब उन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी भाई, मेरा किसी को पर्सनली हर्ट करने का बिल्कुल ही वो नहीं है, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे पोस्ट करने से आपको शायद 5% पॉसिबिलिटी है जॉब मिल जाए, बट क्या आपको रिस्पेक्ट मिल पाएगी जो आपको पहले मिलती थी? क्या आपको सैलरी पैकेज मिल पाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है या फिर आपके जानने वालों को लगता है तो पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता। आप जॉब ढूंढिए, साथ साइड बाय साइड जॉब ढूंढिए, सुबह पूरा टाइम आप ढूंढिए, बट इफ यू आर फेसिंग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, वो आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। डिलीवरी बॉय का जॉब छोटा नहीं है, बहुत मेहनत होती है। शायद जो हम 9 घंटे ऑफिस के अंदर सिस्टम पे बैठ के करते हैं उसे कई गुना मेहनत होती है। तो कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे जानने वाले बीटेक एमबीए जो काफी टाइम से खाली बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ उनके प्रोफाइल की जॉब नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनकी फैमिली सफर कर रही है। आप पार्ट टाइम में ये करिए, दिन के अंदर लोगों को दिन में अपनी जॉब सर्च करिए। मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो उससे पहले खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करूं। 1 हफ्ते में मैंने 3,000 रुपए कमाए, 1,000 रुपए मेरी बाइक का पेट्रोल लगा, 2,000 रुपए मैंने कमाए पार्ट टाइम 3 घंटे 4 घंटे करके। आप उसको शिद्दत से 5 घंटे करिए, शायद आप महीने के 15,000 रुपए इतना अमाउंट क्या खर्चा चला सकते हैं
अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकता है। तो अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो भाई हाथ जोड़ के उसे माफी मांगूंगा, बट किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने चीजों को आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय।